दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल में जिसका नाम है दिल्ली जॉब। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि DSSB में वैकेंसी निकली है जो कि TGT, PGT और अदर वेरियस पोस्ट के लिए है। क्या क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट मांगी है, सारी डिटेल आपको बताऊंगा इसमें और वैकेंसी कब से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही ये वैकेंसी निकल जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ और बताते हैं क्या क्राइटेरिया है, क्या वैकेंसी है। देखिए, नेम ऑफ पोस्ट का नाम है दिल्ली DSSB TGT PGT अदर वेरियस पोस्ट जो कि 7/2022 रिक्रूटमेंट है। 20 जुलाई 2022 शाम 6:30 बजे इसका नोटिफिकेशन आ गया था। आज 21 जुलाई सुबह मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल सके, डिटेल मिल सके, सही जानकारी दे सकूं। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB की जो वैकेंसी है, ठीक है, इसमें TGT PGT टीचर और अदर वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022 है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2022 है और शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन के साथ ये डिटेल इसमें डली हुई है। और एप्लीकेशन जो चालू होगी वो 28 जुलाई 2022 को चालू होगी और इसका जो लास्ट डेट रहेगी वो 27 अगस्त 2022 रहेगी। तो आप पूरे एक महीने के लिए खुलेगी, तो कोई जल्दीबाजी ना मचाएं, फॉर्म को आराम से तसल्ली से भरें। इसके बाद जो इसकी एग्जामिनेशन, जो इसकी फ़ीस भरनी है उसकी भी डेट उन्होंने 27 अगस्त ही रखी है, कोई एक्स्ट्रा डेट इसमें एक्स्ट्रा दिन नहीं दिया है। तो आप टाइम से पहले ही वैकेंसी को भर लें ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। एग्ज़ाम डेट इसमें अभी नोटिफाई सून लिखा हुआ है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल कैटेगरी और OBC EWS कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए जो फ़ीस रखी गई है वो 100 रुपीज़ है और SC ST फिजिकली हैंडीकैप में जो आते हैं उनकी जो 0 फीस है। और साथ ही साथ जितनी भी हमारी महिलाएँ हैं ऑल कैटेगरी फ़ीमेल्स के लिए इसमें 0 फीस है, यानी कि किसी भी तरीके की फ़ीस नहीं है, एग्जेप्शन है। पेमेंट आप किसी भी कार्ड से, किसी भी नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या किसी भी तरीके से कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद आगे और बता देता हूँ आपको डिटेल। सबसे बड़ी बात है इसमें एज क्राइटेरिया की, तो एज इसमें जो रखी गई है 18 साल से 52 साल तक की एज है जो कि हर वैकेंसी की अलग अलग है पोस्ट वाइज। अभी आपको पूरी एक एक करके बताऊँगा कि किस में कितनी वैकेंसी निकली है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, देखिए एज रिलैक्सेशन जो दिया गया है DSSB एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2022 रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी है, जैसे कि अगर आपकी एज 18 हो रही है और इसमें रिजर्वेशन है तो 3 साल का OBC के लिए, SC के लिए 5 साल का, ST के लिए 7 साल का, इसी तरीके से आप अपना अपना एज क्राइटेरिया के हिसाब से देख सकते हैं। टोटल ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं, 547 यानी कि 547 पोस्ट है जिसमें कि मैनेजर अकाउंटेंट की पोस्ट देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका पोस्ट कोड 13/22 है और इसकी जो DSSB एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2022 के एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, MCOM और CA मांगा हुआ है। और इसकी जो एज है वो मैक्सिमम 35 साल की, अगर आप 35 ईयर के भी हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आपका और देख लेते हैं नीचे कौन सी पोस्ट निकली हुई है। और इसके बाद है डिप्टी मैनेजर अकाउंट जो कि 14/22 इसका पोस्ट कोड है, 18 वैकेंसी है। और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, अगर आप बैचलर डिग्री इन कॉमर्स यानी कि अगर कॉमर्स से हैं और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, साथ ही साथ BCOM विद फर्स्ट ईयर फर्स्ट डिवीजन मार्क यानी कि BCOM में आपके फर्स्ट ईयर में 60 नंबर से ज़्यादा अगर आपके हैं यानी कि फर्स्ट डिवीज़न आपकी है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस साथ ही साथ होना चाहिए। और इसमें जो एज लिमिट मांगी है वो 35 साल की है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद और आगे बढ़ लेते हैं और देखिए उसके बाद कौन सा है पोस्ट। उसके बाद आता है जूनियर लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर जिसका पोस्ट कोड है 15/22 और इसकी एलिजिबिलिटी है 10+2, अगर आपने 12वीं की हुई है कहीं से भी पूरे भारत में, एग्ज़ाम इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड किसी भी बोर्ड से की हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ नेशनल स्टेट लेवल का अगर आपके पास स्पोर्ट प्लेयर है और आपकी एज 18 से 35 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है असिस्टेंट स्टोर कीपर जिसका 16/22 पोस्ट कोड है, 5 वैकेंसी है, जिसकी 10th क्लास में
साइंस स्ट्रीम है, यानी कि 10वीं के, मैं देखिए 10वीं में साइंस तो सबके पास होती है, लेकिन इसमें जो मांगा हुआ है, मैं बता देता हूँ, आप देखिए नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, फिजिकल वगैरह मांगा हुआ है, फिजिक्स वगैरह सॉरी। उसके बाद आ जाता है स्टोर असिस्टेंट, जिसमें 10th क्लास आपकी हाई क्वालिफिकेशन है विद साइंस स्ट्रीम, जिसमें आपका फिजिकल और केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट मांगा है, साथ ही साथ 2 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है और आपकी एज 27 साल है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है अकाउंटेंट, अकाउंटेंट 18/22 पोस्ट कोड है, बैचलर डिग्री मांगी हुई है किसी भी स्ट्रीम से, साथ ही साथ 10 साल का एक्स सर्विसमैन का कोटा अगर है आपके पास तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर है आपका टेलर मैस मास्टर, जो कि 8वीं क्लास पर है, 8वीं क्लास में अगर आप हैं और आप आपके कटिंग वगैरह का आपके पास डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है टेलरिंग का, और आपकी उम्र 35 साल तक है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आता है पब्लिकेशन असिस्टेंट, 20/22 इसका पोस्ट कोड है, बैचलर डिग्री विद एलिजिबल और इंग्लिश, यानी कि ग्रेजुएशन में आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, और उसके साथ साथ अगर आपके पास डिप्लोमा है, पीजी है तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं, इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा। ध्यान रखिएगा जो भी वैकेंसी है मोस्टली इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, साथ ही नीचे अभी आपको बताएंगे पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी भी इसके अंदर निकली हुई है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। बैचलर डिग्री ऑफ स्ट्रीम विद बीएड स्पेशल और बीएड विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन अगर आपके पास है, और पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सी टेट इसके अंदर कंपलसरी है, बिकॉज दिल्ली की वैकेंसी है D SSS B की, तो सी टेट इसके अंदर कंपलसरी है, और एज क्राइटेरिया बहुत अच्छा है, 30 साल एज है आपकी तो आप इसको भर सकते हैं, 30 साल तक सॉरी, ठीक है। उसके बाद पोस्ट निकली है म्यूजिक मेल की, यानी कि पीजीटी अगर आपने कर रखी है तो 1 वैकेंसी है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है। उसके बाद चलेंगे आगे, बताएंगे पीजीटी फाइन आर्ट के बारे में, अगर आपका पीजीटी फाइन आपने पेंटिंग से की हुई है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। कॉलम वाइज है सारी चीज़ें, आप देख सकते हैं, देखिए सारी डिटेल हमें बतानी पड़ती है वीडियो में आपके लिए, जो आपकी आपके लिए एलिजिबल हो आप उसको देख सकते हैं और आप उसे अपने हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। 28 जुलाई 2022 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, पहले से ही नोटिफिकेशन दे रहे हैं आपको, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगी फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी खो गया है तो आपको कैसे रिकवर करवाना है, वो सारी चीज़ बताऊंगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की डिटेल मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। उर्दू की वैकेंसी निकली है पीजीटी उर्दू की, जिसमें आपने अगर मास्टर डिग्री उर्दू से की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर की निकली हुई है, अगर आपने एमए की हुई है हॉर्टिकल्चर से तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। साइकोलॉजी की निकली हुई है साइकोलॉजी के लिए, तो इस तरीके की और भी वैकेंसी इसमें कई सारी निकली हुई हैं पोस्ट वाइज, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है हमारे द्वारा बनाई हुई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाकर रिप्लाई दीजिए, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे और हमें भी पता चले कि हम का जो जानकारी दे रहे हैं उससे कितने लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी इससे पहले मैंने और वीडियो बनाई हुई है काफ़ी सारी दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, और SSS C का जो फॉर्म भरा जाता है उससे रिलेटेड, तो वो भी आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी अगर आप SSS C वगैरह का फॉर्म भरना चाहते हैं या आपको उसके बारे में पता करना है कि क्या है SSS C, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन है पीजीटी संस्कृत, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी और EVGC, यानी कि जिसमें भी मास्टर डिग्री मांगी है सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। ये देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें एक एक करके मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कोई भी चीज़ मिस ना हो, क्योंकि वैकेंसियाँ बहुत मुश्किल से निकलती हैं और जो लोग तैयारी करते हैं उन्हीं को पता है कि कितना मुश्किल होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना, ठीक है। यहाँ पोस्ट वाइज सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं कितनी किस्में वैकेंसी है, तो आपको सारी डिटेल आई होप सो आप सबको अच्छी लगी होंगी, सारी डिटेल आपको मिल गई होंगी। अगर कोई भी चीज़ इसमें छोटी है, आपको कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेरी कर सकते हैं, आपको तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई मिल जाएगा जो भी आपका क्वेरी होगी, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, चलते हैं और फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही कोई नई वैकेंसी आएगी, एडमिट कार्ड रिजल्ट वगैरह कुछ भी आएगा, तो आपको सभी इस एक चैनल पर मिल जाएगा जिसका नाम है दिल्ली जॉब।
तो अभी के लिए इतना ही, चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।